मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, छोटा सा पावर कट हो गया था अचानक। कभी कभी पावर कट भी कितना विराट रूप ले लेता है। हाँ, एक सेकेंड रुकिए, जरा मैं एक छोटी सेटिंग सी कर लूँ। पीडीएफ भी मिलेगी भाई, पीडीएफ भी मिलेगी। पहले यहाँ तो पढ़ लेते हैं, फिर पीडीएफ भी मिलेगी। आप सबके पास मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर है ना आप सबके पास मेरा? तो हम क्या बात कर रहे थे? मेरा नंबर नहीं है, लो मैं लिख रहा हूँ नंबर, पहले नोट कर लो नंबर। ये मेरा नंबर है, ठीक, और इसके थ्रू मुझे कांटेक्ट करके मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। मैं एक लिंक आपको दूंगा, उस लिंक से आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। ओके, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसे भी करना है वरना फिर मैं इसको क्लियर करके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो फर्स्ट मर्जर हुआ था। देखिए, फर्स्ट मर्जर किया गया था बैंकिंग सिस्टम में 1993 में। 1993 यानी कि 1991 इसमें पहले जा चुका है, जिसमें आपका एलपीजी सिस्टम, और एलपीजी सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बताइए फटाफट, एलपीजी सिस्टम तुम्हारा डिस्कस हो चुका है ना? एलपी सिस्टम तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, एलपी सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, तो उस एलपी सिस्टम के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें एक तरह से देखो क्या कहते हैं, एलपी सिस्टम के बाद जरूरत पड़ी जो हमने फर्स्ट मर्जर किया बैंक का, जिसमें आपका बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया। और अभी कुछ नए रूल्स बनाए बैंकिंग के लिए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पंजाब, आकांक्षा दिवाकर हेलो, अभी अभी ना हाल ही में मैंने कल परसों पढ़ा था, कल नहीं, कल ही पढ़ा है मैंने, कुछ बैंकिंग के नए रूल आए हैं और उस बैंकिंग के नए रूल में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, एक रूल बता रहा हूँ बैंकिंग का, और जब उससे मुझे एक आइडिया लगा कि भाई जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक किसी भी तरह प्राइवेट बैंक हो सकता है, कैसे होगा समझो। पंजाब नेशनल बैंक के लिए एक रूल बनाया गया है, उसमें बोला है कि पंजाब नेशनल बैंक पर डे केवल और केवल 4 अकाउंट्स ही ओपन करेगा, ठीक है। ओनली 4 अकाउंट्स, केवल 4 अकाउंट ही ओपन कर सकता है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता। अब किसी भी बैंक के लिए अकाउंट ओपनिंग जो होता है वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है, और अगर आप इसको बंदिश में डाल दोगे केवल 4 अकाउंट, ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, पंजाब नेशनल बैंक के लिए 4 अकाउंट, यानी कि एक व्यक्ति को अगर मान लो अकाउंट खुलवाना पड़ रहा है अब पंजाब नेशनल बैंक में, तो उनका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लगा लो कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम, 1.5 से 2 मंथ का टाइम लग रहा है उसको अब एक अकाउंट खोलने, मतलब अकाउंट खुलवाने, यानी कि इतनी वेटिंग चला दी है। अब आगे जाकर क्या होगा, जब अकाउंट नहीं खुलेगा तो नए कस्टमर जनरेट नहीं, उसको बोलते हैं कासा, ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जब कासा ही नहीं जनरेट होगा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ही जनरेट नहीं होंगे, तो उसको लेकर के फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग मतलब बदलाव कर देंगे, या फिर उसमें बैंकिंग सिस्टम में कुछ कैपिटल आ जाएगी। और बाकी बैंक लाइक आपका यूबीआई बैंक जो हो गया, ठीक है, यूबीआई बैंक हो गया आपका, यूबीआई बैंक में कई सारे बैंकों को मर्ज भी किया गया, और भी कई सारे बैंक हैं, तो इन बैंकों में भी 3 से 4 दिन का, या फिर 1 वीक, मिनिमम 1 वीक का टाइम कर दिया है, मिनिमम 1 वीक का टाइम कर दिया है अकाउंट खोलने के। लेकिन एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑन सेम डे कोशिश करें कि ऑन सेम डे ही बैंक अकाउंट खोल दे इंसान, ऑन सेम डे। सोचो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी बैंकों में क्यों नहीं। तो इस प्रकार से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ा बैंक है, तो उसको तो आप रखोगे सेपरेट करके, बाकी बैंकों से आप जब कासा रिमूव कर दोगे, कासा रिमूव हो जाएगा बाकी बैंकों से, तो फिर वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप मतलब एक प्रकार से कासा रिमूव होने के बाद में आपके पास में कैपिटल जनरेट नहीं होगी, कस्टमर जनरेट नहीं होगा, और फिर मैक्सिमम बैंक आपसे भागने लगेंगे। और ये तो मैंने आपको बताया केवल इसका जो सेविंग अकाउंट का है। अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है अब पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसमें तकरीबन तकरीबन आपको 4 से 6 मंथ का टाइम चाहिए। अब सोचो 4 से 6 महीने का टाइम, 6 मंथ का, 4 से 6 मंथ का टाइम। अगर कासा इस तरह से डाउन होगा तो भैया बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा। तो मेरे को पूरा आइडिया लग गया जो मैंने आपको बजट में पढ़ाया था कि दो बड़े बैंक प्राइवेट होने के कगार पे, तो उसमें एक बैंक का नाम तो पीएनबी हो सकता है, पीएनबी, ठीक है, और दूसरे बैंक का नाम शायद मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है। तो दोनों बैंकों का प्राइवेट होने का मेरे को पूरी संभावना है कि होगा। मुबारक हो, आपका एसबीआई बैंक जो है वो बच रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसमें कासा जनरेट हो रहा है, कासा वो खोल रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन की, नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या रखे गए। पहला उद्देश्य रखा गया इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों तक जोड़ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। और अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है, बैंकों को प्राइवेट कर रही है। अब प्राइवेट बैंकों का सिस्टम क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी इंसान के बैंक में हुए 5,000 रुपीज़, और प्राइवेट बैंक ने कल को रूल बना दिया कि नहीं आप 5,000 नहीं, आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा रूल बना दे सपोज। ओके, क्या, एक मिनट, क्या लिखा सर, दोनों बैंक में अकाउंट है, वाओ मिश्रा जी, तो अपना खाते को ना निकाल के यहाँ कर लो, एसबीआई में ले लो, ठीक है, तो एसबीआई तो बचेगा कम से कम, अभी दोनों में अकाउंट है तो अमीर आदमी हो रखे हो, और मोदी जी अमीर आदमी जाने का रखते हैं। अभी क्या हो रहा है यार, एक तो सिस्टम नहीं समझ में नहीं आया, बड़ी दिक्कत देता है तो मेरे को नहीं सिस्टम। भाई बहुत वाहियात चीज़ है ये जिसने भी बनाई है, क्या नाम है इसका। सर हाँ जी बताइए। एक बार रिपीट कर दोगे जो ये आपने बताया पीएनबी वाला? हाँ बिल्कुल, रिपीट कर देंगे एक बार दोबारा, रिपीट करते हैं अभी, लीजिए पहले क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो किसी भी बैंक के लिए सोर्स जो होता है, मेन जो सोर्स होता है इनकम जनरेशन का, वो होता है कासा, ठीक है। कासा का मतलब होता है करंट, कासा मीन्स कासा बता रहा हूँ, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। देखो लाइक ये हो गया करंट अकाउंट, ये हो गया सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो पीएनबी बैंक में रूल क्या है कि अगर आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको तकरीबन 2 मंथ लगेगा, 2 मंथ का टाइम वेटिंग चल रही है, यानी कि पर डे ऑन एन एवरेज पर डे अगर पीएनबी बैंक है तो पर डे केवल 4 अकाउंट ही खोलेगा, 4 से ज़्यादा अकाउंट पीएनबी बैंक नहीं खोल सकता सेविंग अकाउंट में, ठीक। और करंट अकाउंट के लिए आपको कम से कम, यहाँ मैंने लिखा है 4 to 6 मंथ का टाइम चाहिए, पर डे मुश्किल से एक अकाउंट खुल रहा है इस हिसाब से, ठीक है। तो कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी बैंक का, क्योंकि जब आपके पास करंट अकाउंट आएगा, सेविंग अकाउंट आएगा, तभी तो आपके बैंकिंग में पैसा आएगा, और जब बैंकिंग में पैसा आएगा तभी आप उससे ग्रोथ कर पाओगे, लोन बांट पाओगे। तो अगर आप इसको कम कर दोगे तो बैंकिंग का सिस्टम डूब जाएगा, बैंकिंग का जो पैसा है वो डूब जाएगा, डाउन हो जाएगा। और बैंकिंग का सिस्टम डाउन होने का मतलब क्या, फिर आप बोलोगे भाई इसको प्राइवेट करो, ये बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक। और ऐसे ही कर दिया यूबीआई में, यूबीआई में भी क्या कर दिया कि उसको कम कर दिया है कि मतलब वो हफ्ते भर में अकाउंट खोलेगा। एसबीआई में वहीं अगर एसबीआई के बैंक की परफॉर्मेंस देखे तो एसबीआई बैंक में एक रूल बनाया कि एसबीआई बैंक ऑन अ सेम डे अकाउंट खोल देगा, सेविंग अकाउंट सेम डे खोल देगा एसबीआई बैंक, सेम डे। सोचो एक तरफ सेम डे खोलने की बात हो रही है और एक तरफ बात हो रही है किसकी, अदर डेज की, कि अदर डेज में खुलेगा, मतलब अदर डे का मतलब 2 मंथ का पीरियड मिल रहा है, 2 मंथ के बाद में खुलेगा। तो इस प्रकार से पीएनबी बैंक का जो परफॉर्मेंस गिर जाएगा, अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो उसको प्राइवेट करने की कोशिश की जाएगी अगले उसमें। और बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लग रहा है जो दो बड़े बैंकों की बात इस बजट में हुई थी, दो बड़े बैंक ये हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही हैं, लेकिन ये हो सकते हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है कि दोनों बैंक प्राइवेट हो सकते हैं। क्लियर हुआ आपको?
सर ये जो 4 to 6 month वाली बात है, ये किसने बोला, गवर्नमेंट ने? हाँ भाई, रूल तो गवर्नमेंट ही बनाएगी ना इनके लिए, कि भाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट रूल बनाया कि आप पर डे इतने ज़्यादा बैंक नहीं खोल सकते, मतलब गवर्नमेंट के आरबीआई बोलेगी तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी, आरबीआई उसको बोलेगी, तो पर डे का रूल बन गया कि आप इतने अकाउंट खोलोगे। वरना बैंक को क्या तकलीफ़ है कि वो बैंक कम अकाउंट खोल रही है, बताओ। बैंक तो पहले से भी अकाउंट खोल रही थी ना, तो आगे भी अकाउंट खोलनी चाहिए बैंक को। बैंक को ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई अचानक कि वो अकाउंट ना खोले। तो फिर सर SBI क्यों पर डे, मतलब सेम डे अकाउंट खोल रही उसके हो? ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, वो खोल रही है सेम डे। मतलब अब आपने एक ऐप सुना होगा, योनो करके ऐप होती है SBI की, योनो मोबाइल बैंकिंग। हाँ, आप योनो मोबाइल बैंकिंग में जा करके सेम डे ओनली आधार कार्ड के बिहाफ पे आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, बहुत इजीली इस टाइप से, ठीक है। और बाकी किसी का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट तो सर एक गवर्नमेंट इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है अगर, तो फिर उसको प्राइवेट क्यों कर रही है? जब या तो रिस्ट्रिक्शन हटा दे, उसके बाद अगर बैंक अपनी भाई परफॉर्मेंस ना दे रिस्ट्रिक्स पाए। देखो, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। पहले रिस्ट्रिक्शन लगा, अब आम जनता को तो नहीं पता ना, पहले कौन जाएगा अकाउंट खुलवाने, ये बताओ। कितने लोग अब जा रहे हैं अकाउंट खुलवाने, जनधन खाते के चक्कर में सबके अकाउंट जितने खुलने थे पहले खोल दिए। इक्का दुक्का कोई आदमी जाएगा तो उसे लगेगा ठीक है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, एरर होगा। उसे किसको पता कि टेक्निकल टर्म में घुसे या फिर भैया वो खाता में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस उस बात का फायदा उठा करके बोल देंगे परफॉर्मर अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस, और पब्लिक ये जानती है कि अरे परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो बैंकों का प्राइवेट का, और प्राइवेट करो बैंकों को। पब्लिक तो ये कहती है ना कि प्राइवेट में अच्छा काम होता है, तो बस प्राइवेट करने का बहाना मिल जाएगा। तो PNB कुछ नहीं कर सकती? पीएनबी क्या करेगी, पीएनबी बैंक बोर्ड है, पीएनबी को आरबीआई गाइडेंस से अलग थोड़ी चल जाएगी। पीएनबी को अगर गाइडेंस दे दी तो दे दी, बात खत्म भाई। आरबीआई गाइडेंस से अलग थोड़ी जाएगी पीएनबी। और पीएनबी के जो चेयरमैन होगा, जो हेड होगा, उसको भी तो अपनी नौकरी प्यारी है ना, बताओ। और उस पर क्या देशद्रोह का आरोप लगवाना चाहते हो? तो सर वो जो एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे गवर्नमेंट के रहेंगे या फिर प्राइवेट हो जाएंगे जो इस टाइम है? देखो सिंपल सी बात है, समझ लो कि अगर मान लो प्राइवेट हो जाता है, मान लो 50% शेयर किसी भी सरकारी एंटिटी के बेच दिए गए, ठीक है, 50% प्राइवेट कर दिए और 50% गवर्नमेंट कर दिए, तो वो प्राइवेट से ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो प्राइवेट हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं रहते। हाँ, उनको पीएफ फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर फिर प्राइवेट सेक्टर देखेगा प्रॉफिट पे, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो उनकी सैलरी कम की जा सकती है, उनकी सर्विस जो उनको मिल रही है, फैसिलिटी जो मिल रही है, वो सब कम की जा सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट पे काम करेगा। क्लियर हुआ? ओके, क्लियर, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अब शब्द है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। इंदिरा गांधी के टाइम पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव यही थे कि भाई सभी के पास तक बैंकिंग सिस्टम को जोड़ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग की पहुंच बढ़ेगी, जिससे लोगों को लोन लेने में और पूंजी जमा करने में आसानी होगी और बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा और जॉब क्रिएट्स क्रिएट्स होंगी। तो इस वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको भी बूस्ट मिलेगा। अगला जो नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो था पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जनता का कल्याण करना। और बाय डिफॉल्ट है कि जनता के पास छोटे छोटे अमाउंट का पैसा आए तो वो दे दो बैंकिंग सिस्टम में रखो, और वो सेफ रहता था, तो इसलिए भी जरूरी था, ठीक है। इसके बाद रिमूवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंसी। जो प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंसी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी निकाल दे, कभी भी रख ले, कुछ भी करे, उसकी डोमिनेंसी को रिमूव करने के लिए भी ये जो आपका नेशनलाइजेशन है इसको चालू किया गया था कि नेशनलाइजेशन होगा। और अगर अभी आप प्राइवेट सेक्टर दोबारा चालू कर दोगे तो नेशनलाइजेशन फिर से, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन फिर से शुरू हो जाएगा, फिर प्राइवेट सेक्टर अपने अपनी चलाएगी, ठीक। और यहाँ पर लिखा है देखो मीनिंग भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, कनेक्टिंग मैक्सिमम पॉपुलेशन विद द बैंकिंग सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों तक जोड़ना। इसके बाद बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। देखो अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर के, आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियाँ हैं उसको लेकर के, तो ऐसी पॉलिसीज विच आर यूज टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ठीक है, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करे उसकी बात की जाती है मौद्रिक नीतियों में। वे सारी नीतियाँ जो तरलता का संचालन करें, लिक्विडिटी को रेगुलेट करे, कि लिक्विडिटी कभी कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी के लिए लिक्विडिटी का
अप होना भी खतरनाक है और लिक्विडिटी का डाउन होना भी खतरनाक है, वो बैलेंस रहनी चाहिए। और आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बाय मंथली बेसिस से बनाता है, बाय मंथली बेसिस यानी कि महीने में 2 बार बनाएगा और साल में बनाएगा 6 बार, ठीक है, महीने में 2 बार बनाएगा, साल में 6 बार बनाएगा। और फाइनेंशियल ईयर अगर आरबीआई की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक की बात होती है इसमें। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक, ये ध्यान रखना, ठीक। और आरबीआई को एक और नाम जानते हैं, इसको कहते हैं बैंकर्स बैंक या गवर्नमेंट बैंक, कि गवर्नमेंट का बैंक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट से कहते हैं द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू अदर कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कभी कभी रेपो रेट को बढ़ा देते हैं लिक्विडिटी कम करने में। ये समझ में आया, क्लियर हुआ कि रेपो रेट बढ़ने से लिक्विडिटी कम हो जाएगी? रेपो रेट बढ़ने से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है लिक्विडिटी मींस। देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है वो पैसा जो आपकी जेब में है, आप उसे जिसे खर्च कर सकते हो, ठीक। मान लीजिए अभी आपकी जेब में 1000 रुपीज़ हो, ठीक, और आपको 1000 में से 500 की कोई सामान खरीदना है, कोई वस्तु खरीदनी है, कोई गुड्स एंड सर्विस लेनी है 500 रुपीज़ की। तो आपने जब 500 रुपीज़ खर्च किए, ये 500 रुपीज़ आपकी हो गई एक प्रकार से लिक्विडिटी, ठीक है, 500 रुपीज़ आपकी हो गई लिक्विडिटी क्योंकि आपने खर्च कर दिए। और जो 500 रुपीज़ बैलेंस बचा वो आपका हो गया लिक्विड, ठीक। 500 रुपीज़ आपका लिक्विडिटी हो गया और जो 500 बैलेंस बचा वो आपका हो गया लिक्विड। इस तरह चलता है। तो लिक्विडिटी को कम करने के लिए यानी कि आरबीआई क्या करेगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा, और जब शॉर्ट टर्म लोन दे देगा तो लोन के बाद में आरबीआई उस पर ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो अगर वो इंटरेस्ट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, तो इसका मतलब आरबीआई को ज़्यादा पैसा जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब रिस्क नहीं होता, लिक्विडिटी का मतलब तरलता यानी कि पैसा, पैसे का फ्लो, मार्केट में मनी फ्लो होता है, मनी सप्लाई होती है लिक्विडिटी, मार्केट में मनी सप्लाई होती है लिक्विडिटी, ठीक है। कि भाई हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हाई लिक्विडिटी तो हाई रिस्क, लो लिक्विडिटी तो लो रिस्क, ये हम कह सकते हैं लिक्विडिटी को। कंचा, क्लियर हुआ? और इसके बाद 11 बजे सेम, मतलब 11 बजे हम क्लास में मिलेंगे, जो जीएस की क्लास होगी, ठीक है, उसमें यूपीपीसीएस के लिए करेंगे, तो उसको ध्यान रखना, यहाँ नहीं होगी लेकिन वो कौन सी क्लास? जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम के फॉर्म निकल गए ना उसके लिए करेंगे, लेकिन वो यहाँ जूम पे नहीं होगी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी, ठीक है। तो आप लोग, इसलिए नंबर दिया, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो उसको इजीली, नंबर से ठीक है। नंबर आपने नोट किया होगा तो आप आराम से यूज़ कर उसको, सेव करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, ओके। मैं लिख देता हूँ आपके लिए चैनल नेम, ये चैनल नेम है जो मैंने लिख के भेजा है आपको, ठीक है। इस चैनल पे जाकर के आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फ्री है, ठीक। चलो, सर कहाँ है? अब मैंने मैसेज में डाला है, देखो चैट, चैट वाले ऑप्शन में जाओ, चैट में आप देखोगे, चैट मैंने लिखी है, चैट सर पहुंचा नहीं। पहुंचा नहीं? मैंने तो चैट लिखे कर, मैंने को एजुकेशन करके, अच्छा चैट सर अब तक तो नहीं आया। मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पे लिख देता हूँ, पता नहीं मेरे को तो यहाँ दिख रहा है कि गया,
मुझे समझ में आ रहा है कि मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप लोग यहीं से नोट कर लेना, मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, यहीं से नोट कर लेना आप लोग। सर आपने डायरेक्ट ये है नाम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लो फटाफट से। 11 बजे हाँ 11 बजे शुरू होगी, 11 बजे से देखते हैं रात को कितने बजे तक पढ़ सकते हैं। लाइव रहेगी और बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप उसके, ठीक है। ठीक आगे बढ़े, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्लियर करके इसको। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा और टॉपिक पे जो भी इसमें है हमारे बचे हुए। हाँ भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों चीज़, अबे यार ये नहीं खुलना चाहिए, बहुत दिक्कत करता है मेरे को ना, फिर खुला। मेरा बस चले तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, लेकिन फिर आप लोग चैट मेरे को दिखाई नहीं देगी, जैसे रखना पड़ता है मुझे। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। रेपो रेट के उल्टा होगा रिवर्स रेपो रेट, तो इसमें क्या होगा, रेट एट विच आरबीआई बोरो, अब आरबीआई लोन ले रहा है कहाँ से, अदर कमर्शियल बैंकों से, यानी कि अगर आरबीआई को ऐसा लगेगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है, ठीक है, तो क्या करेगी आरबीआई, बोलेगी भाई हमें लोन दो, आरबीआई खुद लोन ले लेगी। और आरआरबी यानी कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से भी लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि बैंकों को एक लालच आ जाएगा, बैंक बोलेंगे भाई छोटे मोटे व्यापारियों को लोन देने से अच्छा और रिस्क रहता है, लेकर भाग जाते हैं, आरबीआई कहीं भागेगा नहीं, तो वो कोशिश करता है कि आरबीआई को लोन दे दे, और आरबीआई को लोन देने के बाद में लिक्विडिटी मार्केट से कवर हो जाएगी, ठीक। तो आरबीआई यही भी काम करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का इस्तेमाल करता है लिक्विडिटी कम करने के लिए। तो ध्यान रखना कभी क्वेश्चन पूछ लें कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल होता है लिक्विडिटी कम करने के लिए, तो हाँ होता है। इसके बाद में रेपो रेट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट कम होता है क्योंकि इसमें आरबीआई लोन ले रहा है, और रेपो रेट ज़्यादा होगा क्योंकि आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन दे रहा है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग चलता है बैंक रेट, कि बैंक रेट क्या होता है, द रेट विच आर बी आई लैंड शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म लोन होता है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म लोन टू अदर कमर्शियल बैंक, यानी कि वह दर जिसमें आर बी आई दूसरे व्यवसायी बैंकों को लंबे समय के लिए लोन दे देगा, कि भाई ले लो लोन और लोन ले करके आप अपना काम चलाओ, या फिर ये बोल दे भाई कि मान लो लगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, पैसा कम आ रहा है मार्केट में, तो पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, दूसरे बैंकों को बोलेगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, कि आप लोन लो और मार्केट में लोन बांटो, और आरबीआई का लोन फिर वो आरबीआई दूसरा अपना मतलब सभी को लोन देना शुरू कर देगा, तो आरबीआई का लोन सबको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इस तरह चलता है। फिर एक चलता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम जो बैंक होता है वो लोन लेगा एक रात के लिए, मतलब एक रात के लिए कि भाई ठीक है अगर कभी बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ जाए, ये भी हो सकता है, क्या पता बैंक की ब्रांच 4 बजे बंद हो रही है, 4:15 बजे कोई सन की आदमी आ जाए और बोले कि लाओ 200 करोड़ रुपये दो मेरे, हो भी सकता है करोड़ रुपये भी क्यों नहीं होंगे बैंक के, तो ठीक है, और बैंक के पास उतना पैसा ना हो और कोई पड़ोसी बैंक की मदद करने को तैयार ना हो, पड़ोसी बैंक सोचे कि अब इससे मजे लेंगे हम बिंदास, इससे ब्याज खाएंगे, ठीक है, या ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस पर, तो इसको देखते हुए आरबीआई फैसिलिटी शुरू करती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, लेकिन ये हमेशा रेपो रेट से 1% ज़्यादा होगा, अगर रेपो रेट 6% चलेगा तो ये उसका 7% चलेगा, कि आप रात के लिए ले लो सुबह होते ही आप वापस कर देना, तो सोचो आरबीआई ने रेपो रेट वाला कमाया और साथ में 1% और कमा लिया, तो इतना रुपया आरबीआई फटाक से कमा लेगी, तो ये सिस्टम इसलिए चालू किया गया है, ठीक है। और एमएसएफ को थोड़ा ध्यान रखना, एमएसएफ बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है।
क्या होता है कैश रिजर्व रेशो, CRR, नगद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं। जब कोई भी नया बैंक खुलता है तो क्या होता है, बैंक खोलने के लिए एक फिक्स डिपॉजिट रिजर्व रखना पड़ता है, परसेंटेज में होता है कुछ, ठीक है। और टोटल डिपॉजिट का होता है जो आप RBI के पास रखते हो, ये खास तौर पे कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, ये कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। इसकी खासियत ये होती है कि कैश फॉर्म में ही रखा जाएगा, ठीक। और इसको कोई भी बैंक एटीजेड कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता कि हम रखेंगे, सभी को रखना कंपलसरी हो जाता है, ये एकदम कंपलसरी है कैश फॉर्म में। मान लो अगर किसी को 1,000 करोड़ रुपए में खोलना है बैंक, तो भैया खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1,000 करोड़ का RBI जो बता देगी, इतना अमाउंट आप रिजर्व में रख दो। मान लो RBI ने बोला कि 200 करोड़ रुपये आप रख दो हमारे पास, तो वो रखना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता। और ये कैश फॉर्म होगा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो पैसा रखा जाएगा, मान लो कि 1 साल बाद बैंक का ग्रोथ बढ़ गया, डबल हो गया, और बैंक हो गया 2,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट में आ गया बैंक, तो ये 200 करोड़ रहेगा, ये भी बढ़ जाएगा अमाउंट। क्या पता इसको 400 करोड़ कर दे या फिर 500 करोड़ कर दे, तो ये भी बढ़ेगा। इसीलिए इसको मॉनिटर एवरी फ्राइडे किया जाता है, एवरी फ्राइडे इसको मॉनिटर किया जाता है, एवरी फ्राइडे CRR कैश रिजर्व रेशियो को मॉनिटर किया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। ये सिक्योरिटी मनी है, और वीकली इसको मॉनिटर किया जाता है, एवरी वीक, मतलब वीक में, क्योंकि सैटरडे और संडे तो हाफ डे होता है ना एक तरह से, सैटरडे संडे तो बंद होता है बैंक, तो इसलिए फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे इसको मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR। इसमें क्या होता है, हर बैंक को अपने पास एक फिक्स परसेंटेज रखना पड़ता है, अमाउंट का एक फिक्स परसेंटेज रखना पड़ता है। और यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, वो गोल्ड या कैश किसी भी फॉर्म में रख लेगा, गोल्ड या कैश किसी भी फॉर्म में रख लेगा। और इसको भी चेक किया जाता है कि भैया रखा है कि नहीं रखा। मान लो 1,000 करोड़ था उसके पास, उसने रखा बैंक खोलने के लिए, उसने 200 करोड़ रखवा दिया RBI में, और RBI ने बोला कि आप 200 ही करोड़ रुपये कैश में रख लो या फिर गोल्ड में रख लो अपने पास, तो रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और इस सिस्टम को SLR बोलते हैं। कि ये दोनों सिस्टम इसलिए चालू किए गए थे कि अगर कोई बैंक पैसा लेकर के भाग जाए, पैसा लेकर के भाग जाए एम्प्लॉई का, सॉरी कस्टमर का, तो भाई कम से कम गवर्नमेंट उसको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट लौटा सके, वापस दे सके, जिससे कि भरोसा बढ़ेगा। और अब गवर्नमेंट बैंक में रूल कर दिया है कि अगर कोई भी आपका पैसा लेकर भागा बैंक, या फिर आपका बैंक मान लो दिवालिया घोषित हो गया, अगर आपका बैंक दिवालिया घोषित हो गया, तो बैंक के दिवालिया होने पर कोई भी कस्टमर बैंक से अपना पैसा मांगने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो तो मांग ले, लेकिन बैंक देने के लिए कंपलसरी नहीं कि देगा ही देगा, गवर्नमेंट देगी देगी, ऐसा रूल अब खत्म कर दिया, कंपलसरी कुछ नहीं है, ठीक है। मिले मिले पैसा नहीं मिले ना से, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा हो तो आपने बैंक पर नज़र रखना कि कब वो दिवालिया होने वाला है, उससे पहले निकाल लेना, क्योंकि अगर एक बार जब्त कर लिया अमाउंट तो जब्त कर लिया दिवालिया के चक्कर में, फिर वो पैसा सरकार का आप भूल जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और घर पर पैसा रखोगे तो क्या होगा पता है ना, घर पर पैसा रखने में क्या होता है बताओ। रेट पड़ती है, रेट हाँ, इनकम टैक्स की रेट पड़ जा ब्लैक रहे। मनी। अगर वो भी ना हो तो फिर एक और खतरनाक चीज़ होती है, डीमोनेटाइजेशन हो जाएगी, नोट बंद कर देंगे, सरकार बोलेगी हम नोट बंद कर रहे हैं, अब ले लो इन नोटों का मजा, बस पुराने नोटों को लेकर के बैठे रहो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इसको आप बोलते हो खुला बाजार संचालन, कि खुला बाजार का संचालन कैसे किया जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में इट इज सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए एक तरह से ही है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के पास फंड की कमी पड़ती है, ठीक, गवर्नमेंट के पास फंड की कमी पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, RBI को बोलती है भाई एक काम करो सिक्योरिटीज बेचो, और सिक्योरिटी जब वो बेचती है गवर्नमेंट की, तो उससे पैसा आता है, यानी कि वो बोलेगी कब कस्टमर को कि एक काम करो 1 साल के लिए आप ये सिक्योरिटी खरीद लो, और इसके बदले में हम आपको 1 साल बाद इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे इतने अमाउंट पे। पब्लिक फटाफट सिक्योरिटी खरीद लेती है, क्योंकि उसे पता है कि गवर्नमेंट है भैया, सिक्योरिटी पे तो पैसा मिलेगा मिलेगा, तो रजिस्टर्ड है और आराम से पैसा मिल जाता है, तो पब्लिक। और इसीलिए जो तुम्हें बड़े बड़े आपके ये हो गए ना, आपके लाइक इनको हम क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े वो मतलब बिजनेसमैन जो हो गए,
वो पूरी कोशिश करते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालते हैं यहाँ पर पैसा डालने के बजाय, ठीक है, कि भाई वहाँ से पैसा डाल करके वहाँ से पैसा निकाल लेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उन्हें पता होता है गवर्नमेंट उनकी गारंटी तो लेती है पैसा देने की, पैसा लौटाने की। अब इसके बाद आता है अगला टर्म मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक, मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा बैंक की ये पहचान है, मतलब फुल फॉर्म है, नाम है पूरा। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर, जिसको 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें बोला था कि भी मुद्रा लोन मिलेगा आपको, मुद्रा लोन मिलेगा। किस किस को मुद्रा लोन मिला है ये तो वही लोग जाने, हम क्यों जाने, ठीक है। तो आप लोग मुद्रा लोन ले सकते हो बाय डिफॉल्ट। इसमें आगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये प्रोवाइड करता है लोन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल यानी छोटे और लघु, जिनको कहते हैं छोटे जो उद्योग हैं, छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको ये लोन देता है कि भैया लो गरीबो लोन ले लो, कर्जे में आ जाओ और फिर हम आपका काम बेकार कर देंगे, फिर आप जिंदगी भर कर्ज उतारते रहना, ठीक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स, ये क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऐसा सर्टिफिकेट इशू करती है, बॉन्ड जिनको आप बोलते हो बॉन्ड, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, वैसे एक गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी इस टाइप का। इस पे गवर्नमेंट की पूरी डिटेल होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, किस डेट को किया है, सब कुछ होगा, और लिखेगी किस प्रकार का बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड होगा इसमें कन्फर्म डेट बताई जाएगी कि आपका ये बॉन्ड इस डेट को इशू किया जा रहा है और इस डेट को ये मेच्योर हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पैसे ऑनलाइन RBI की वेबसाइट से आप इसको ऑनलाइन खरीदते हो, RBI की वेबसाइट से इसको आप ऑनलाइन खरीद लेते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको ये डिपो सिक्योरिटी दे देगी, भाई ठीक है आपको ये सिक्योरिटी हमने दे दी, और उस पर डेट होगा इसके होते, इसको बोलते हैं सम मेच्योर डेट, सम मेच्योर डेट, कि वो आपकी इस डेट को मेच्योर हो जाएगी। उन्होंने बोला कि हम 1 साल के लिए दे रहे हैं, यानी कि आज डेट क्या है, आज है 9 तारीख, 9/3/2021 को अगर उन्होंने इशू किया, और वो बोलते हैं कि 8/3/2022 को आप आना, आपको हम अगर आप 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी खरीदते हो तो हम आपको उस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मेंशन होता है कि इतने की सिक्योरिटी है, इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इस सर्टिफिकेट में सब कुछ मेंशन होगा, ठीक। आप जा करके उस सिक्योरिटी को खरीद लोगे ऑनलाइन, ऑनलाइन परचेज करो, सिक्योरिटी खरीद लोगे, और जैसे आप ये सिक्योरिटी खरीदोगे ये सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। बस इस पेपर को आपको संभाल रखना है, फिर आप गवर्नमेंट या तो आप ऑनलाइन ही वापस कर सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई हमने सिक्योरिटी खरीदी कि हम इसे बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन RBI के ऑफिस में जाकर भी। अब आप RBI के ऑफिस में कोई जाता नहीं है, जैसे लाइक शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट की तरह ही यहाँ पर सिक्योरिटीज़ खरीदना बेचना चलता है, और बहुत बड़ा ही, बहुत मास लेवल पर चलता है, बहुत बड़े लेवल पर चलता है। मतलब होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं वो लोग इसमें पैसा लगा देते हैं 1 लाख 2 लाख रुपये, लेकिन इसमें खास तौर पर करोड़ों और अरबों लोग पर लगा जाता है, और वो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अंबानी अडानी हो गए, वो लोग क्या करते हैं इसमें पैसे लगाते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाती है, एकदम मोटा अमाउंट में मिल जाता है। और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है इसको ऐसे डिनोमिनेशन में निकाला जाए जिससे पब्लिक आराम से खरीद सके, और ज़्यादातर लोकल पब्लिक को तो इसके बारे में पता होता नहीं इतना, क्या खरीदना क्या बेचना, तो इसलिए इसको बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। आप RBI की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी, शायद फ्राइडे को ही होता, फ्राइडे या फिर थर्सडे को ये सिक्योरिटी जो है वो सेल की जाती है टाइम टाइम पे। क्लियर हुआ आकांक्षा इनके बारे में? ठीक, अभी थोड़ा सा रेस्ट लो क्योंकि मेरे जो हाथ में दर्द रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट में फिर शुरू करते हैं, ओके। हाँ, ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देते हैं, ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है मैच्योर होने पे, या फिर आप उनसे DD भी मंगवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट मंगवा सकते हो, चेक मंगवा सकते हो, वैसे DD मिल जाता है, चेक तो नहीं, DD मिल जाता है, आप उनसे ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपको फंड ट्रांसफ़र करते हैं, वो क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू एज पर सिनेरियो, एज पर सिचुएशन या फिर एज पर कंडीशन ये देख लेते हैं वो लोग। मुझे लगता है आकांक्षा जी कुछ खरीदने के चक्कर में सिक्योरिटी,
खरीदो खरीदो फटाफट, सिक्योरिटी खरीदो, अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी खरीदना चाहिए। इतने पैसे वाली बात नहीं है, कम पैसों में खरीद सकते हो, नो डाउट। और लाख दो लाख रुपए क्या है आपके लिए, हैं लाख दो लाख 10 लाख तो यूं ही खर्च जाते हैं, क्यों? शुरू करें, चलो आगे देखते हैं। तो जो मुद्रा बैंक का जो लोन है, मुद्रा बैंक का जो लोन का सिस्टम है, उसको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया, तीन प्रकार से बनाया गया है। एक है इसमें शिशु लोन, ठीक। शिशु लोन का मतलब है जिसमें आपको 50,000 तक, शिशु का मतलब होता है ना बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, जो इंडस्ट्री अभी छोटी है, बिल्कुल पैदा हुई इंडस्ट्री, तो उसके लिए शिशु लोन रखा गया है। इसमें 50,000 तक का लोन ये देंगे, ठीक। एक है किशोर लोन, यानी कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं किशोर अवस्था में आ गया बच्चा, तो उसमें लोन की रेंज बढ़ा दी गई। अब यहाँ पे 50,000 तक वो 5 लाख तक खर्च कर सकता है, कहते हैं आप 5 लाख तक वो संभाल सकता है, ठीक। अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, इसे बोलते हैं तरुण, वयस्क हो गया, तरुण हो गया बच्चा, तो लोन की रेंज फिर बढ़ा देगी, 5 लाख से अब 10 लाख तक का वो बच्चा संभाल सकता है, इनका मानना ये है। तो इस प्रकार से ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जॉब वाले से पैसे, जॉब वाले पे कहाँ पैसा आता है, जॉब पे कोई पैसा आता है? पैसा जॉब से नहीं आता, पैसे जॉब में तो गुजारा, जॉब में चलता है गुजारा। कौन कौन मानता है ये बात, जितने लोग जूम पे हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, कि कौन कौन मानता है कि जॉब से केवल गुजारा चलता है, पैसा बिजनेस से आता है? जॉब से तो आपका ये कि जॉब से आपके शौक पूरे हो जाते हैं, गुजारा चल जाता है, लेकिन असली पैसा बिजनेस से आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है तरुण वाला सिस्टम, कि लोन का क्या क्या रेंजिंग रखी गई है, क्या क्या रेंजिंग लोन की है। इसके बाद आ जाओ अगले सिनेरियो पे। अच्छा, अरे कोई नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं थी आकांक्षा जी, कोई बात नहीं। अब आता है नाबार्ड, नाबार्ड देख लो कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और गांवों को डेवलप करने के लिए बैंक बनाया गया था नाबार्ड, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 12 जुलाई 1982 को, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया 12 जुलाई 1982 को। और किसके रिकमेंडेशन पे था ये? शिवा रमन कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था, शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था। और इसको 6th 5-year plan में इंक्लूड किया था, 6th 5-year plan। अब देख लो आप, 1982 की बात हो रही, तो उस समय 6th 5-year plan ही चल रहा था, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर रखा गया है मुंबई, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसके बाद है आपका RRB, रीजनल रूरल बैंक,
रीजनल रूरल बैंक RRB, और मैं फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज फॉर्म्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975, ठीक है, यानी कि गांधी जयंती के अवसर पे खोला गया था RRB, क्योंकि गांधी जी जो थे वो बोलते थे कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए RRB को खोला गया गांधी जयंती पे। और इसका जो नाम था पहला वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको याद रख लेना। और स्पॉन्सर किया गया था सिंडिकेट बैंक के द्वारा, तो देख लो सिंडिकेट बैंक को छोटा मोटा बैंक नहीं, इस तरह से स्पॉन्सर कर रहा है बैंक को एक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया था। और ये खोला गया था नरसिम्हन कमेटी के सुझाव पे, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, ठीक, 1975 से लेकर 1983 तक, 1975 से लेकर के 1983 तक अगर देखें तो इसको रेगुलेट किया गया था RBI के द्वारा। 1975 से 1983 तक इसको रेगुलेट किया, किसके द्वारा किया गया था, RBI के द्वारा रेगुलेट किया गया था। फिर 1983 तक से अगर अब तक देखें तो इसका जो लोन है वो रेगुलेट करता है नाबार्ड, ठीक है, लोन इसका रेगुलेट करेगा नाबार्ड ओनली, ठीक। और इसके अंदर तीन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, तीन क्षेत्र इसमें अपना मिलकर योगदान देते हैं जब जाकर एक RBI काम करता है, एक RBI फॉर्मड होता है। और तीन सेक्टर कौन कौन से हैं इसमें, पहला सेक्टर अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसमें, और जिसका शेयर इसमें 50% का है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर इसमें 50% का होता है। स्टेट गवर्नमेंट होती है तो इसका शेयर इसमें 15% का, 15% का है। और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसको लाइक सिंडिकेट बैंक जैसा बैंक, तो इसका शेयर इसमें 35% का होता है। तो इस प्रकार से तीन सेक्टर मिल करके इसको चलाते हैं, RRB को बनाते हैं, एक RRB बनता है तीन सेक्टरों से मिल करके। अब इसमें बाई डिफॉल्ट अगर 50% शेयर इनका, तो इनकी मोनोपोली चलती है एक तरह सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक। क्लियर हुआ ये डाउट, क्लियर हुआ यहाँ सब कुछ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बैंकों पे, थोड़ा सा कमर्शियल बैंक प्राइवेट के बैंक उनको देख लेते हैं। तो बैंकों को इस सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, लाइक आपका पहले बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक की दो कैटेगरी बनाई गई हैं, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो हैं जो बैंकिंग आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में जिनका जिक्र नहीं है वो हो गए एक प्रकार से नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जिनका जिक्र नहीं किया गया, जिनकी बात नहीं बोली गई है, वो हो गए आपके नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक बात वही है जिनका सेकंड शेड्यूल में लिस्ट है, सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम डाला गया है। अब इसको तीन सेक्टर में डिवाइड करते हैं फिर आगे जाकर के, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक होता है फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक जो आपके होते हैं। तीन प्रकार से इनको डिवाइड कर देते हैं हम। और जो तीन प्रकार चलते हैं इसके, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक जो है आपका, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इसको फिर तीन सेक्टर में डिवाइड करते हैं, एक होता है नेशनलाइज्ड बैंक, एक होता है SBI बैंक, एक होता है IDBI बैंक। IDBI बैंक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बताओ IDBI बैंक अभी किसके पास है, IDBI बैंक किसके पास है अभी, कौन IDBI बैंक का ओनर है, क्या LIC के पास है? LIC, एनी बड़ी कोई और बताना चाहेगा कि RBI बैंक किसके पास है? कोई बताए तो मैं जानूं। तो आपका जो भी नाम है एकदम सही आंसर किया आपने, LIC के पास है IDBI बैंक। और मैं हैरान हूं, पहले पढ़ा चुका हूं कई लोगों को तो बताते नहीं, फिर भी आंसर नहीं आता। फर्स्ट क्लास में बताया था आपने। हाँ अच्छा, फर्स्ट क्लास बताया था जब तक, अब तक याद है आपको, कमाल हो गया, जी सर। वाह, यू आर सो टैलेंटेड। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं कुछ बैंकों को मर्ज, जो इनको मर्ज किया गया SBI में, मर्ज किया गया कुछ बैंक को। सबसे पहले BMB, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक को 1 अप्रैल 2070 को ही SBI में मर्ज कर दिया गया था।
ये बैंक की सबसे पहली ब्रांच खुली थी कनॉट प्लेस में, दिल्ली कनॉट प्लेस में, और इसके अंदर सारी की सारी जो एम्प्लॉय थी वो महिला थी। महिलाओं के अकाउंट खुल रहे थे, सबका सब काम महिला देख रही है, महिला संभाल रही है, तो इसीलिए बैंक को जल्दी से बंद कर दिया। 2015 या 16 में खुला था और 2017 में इसको ताला मार दिया। अब ये पता नहीं क्यों मारा, क्या रीज़न रीज़न था इसका, कुछ ताला क्या मारा, मतलब इसमें मर्ज कर दिया इसको, किसमें, SBI में मर्ज कर दिया था इसको, ठीक है। इसके बाद कुछ बैंक है जिनको आप बोलते हो एसोसिएट बैंक्स, जो SBI में मर्ज किए गए थे, उनको देख लो। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, यानी कि इन सेक्टर के बैंक, ये SBI सेक्टर के बैंक थे जिनको अब मर्ज कर गए, सारे नाम खत्म करके सिंपल SBI ही बना दिया है इनका नाम। अब ये सारे सारे बैंक ऑटोमेटिकली SBI हो गए हैं, ठीक। और अब आता है शेड्यूल बैंक, वे बैंक यानी कि ऑल दिस बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, जो RBI के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है, वे सारे सारे शेड्यूल बैंक कहलाएंगे, उन्हीं को आप शेड्यूल बैंक कहोगे। इसके बाद इसको अनुसूचित बैंक बोलते हैं हिंदी में। पब्लिक सेक्टर बैंक के बैंक वो बैंक होंगे जिनका शेयर या तो ज़्यादा या फिर मतलब कम से कम 51% शेयर उनके पास हो, पब्लिक सेक्टर के पास, यानी गवर्नमेंट के पास। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, गवर्नमेंट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर का मतलब शेयर, तो गवर्नमेंट किसी भी बैंक का शेयर या किसी भी एंटिटी का शेयर 51% गवर्नमेंट के पास होगा, तब तक वो पब्लिक सेक्टर का बैंक है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक कैसा होता है कि जब शेयर 51% शेयर किसके पास हो जाए, प्राइवेट बैंक के पास हो जाए, अगर 51% शेयर प्राइवेट बैंक के पास हो गया तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक ही कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। और अगर कंडीशन ऐसी होगी कि 50-50 हो गई, कि 50 इसका है 50 इसका, दोनों का 50-50 कर दिया, तो 50-50 केस में ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, पब्लिक नहीं कहलाएगा अगर 50-50 भी हो गया तो। इसलिए 50-50 पर रिस्क आ जाता है बड़ा। तो 50-50 शेयर होगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कहलाएगा। ऐसे है फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक, वो सारे बैंक जिनका हेडक्वार्टर तो बाहर है इंडिया के, हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है और उनकी ब्रांच इंडिया में खुली हुई है, हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है, ब्रांच इंडिया में खुली हुई है, वे सारे बैंक फॉरेन बैंक कहलाते हैं, विदेशी बैंक कहलाते हैं, ठीक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है HSBC, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका लंदन में, ठीक। हांगकॉन्ग, HSBC, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसके बाद है शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, वो सारे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक प्रकार से, तो वो सारे बैंक नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं आपके। अब बात करते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये उस प्रकार के बैड लोन कंसिडर किए जाते हैं इसमें, जहां पर क्या होगा कि जो बैंक का लोन है वो कम से कम मतलब एक प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग रहे एक टर्म के लिए। एक टर्म का मतलब यहाँ पे 90 डेज का, 90 डेज के लिए उससे कोई भी इंटरेस्ट ना मिला हो, बैंक का EMI कोई भी ना आई हो, तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, ये माना जाएगा नॉन परफॉर्मिंग में, ठीक है। और ऐसे NPA यानी कि 90 दिन, 90 डेज तक जो अकाउंट परफॉर्म नहीं करेगा NPA, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है सब स्टैंडर्ड, एक होता है डाउटफुल, एक होता है लॉस असेट्स, कि असेट्स का लॉस हो गया। तो सब स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो सब स्टैंडर्ड में क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग होगा फॉर ए पीरियड अप टू 18 मंथ, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ भी इसको बोल सकते हैं, 1 ईयर 6 मंथ भी इसको बोल सकते हैं। तो उसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं कि भैया ठीक है, 90 डेज तक का मतलब हो गया आपका सिंपल सी बात की वो NPA हो गया। उसके बाद NPA में कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड की, कि 1.5 साल तक अगर लोन का भुगतान नहीं किया गया है कोई भी प्रकार का, यानी 18 महीने के अंदर अंदर, तो उसको आप बोल देते हो क्या, डाउट, सॉरी सब स्टैंडर्ड। इसके बाद होता है डाउटफुल, डाउटफुल वो कैटेगरी होती है इस लोन की
जिसमें जो भुगतान है वो तकरीबन 18 महीने, सॉरी 18 महीने के बाद भी ना किया जाए, ऐसे कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, कि नॉन परफॉर्मिंग होगा कब, जब 18 महीने से ज़्यादा समय ले ले, कि भाई 18 महीने बीत गए अब तक आपने भुगतान नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो आपका ये हो जाएगा डाउटफुल कि पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा, पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा, अब आप ऐसी कंडीशन में आ जाओगे। इसके बाद लॉस असेट्स, यानी कि वो आइडेंटिफाई तो कि हाँ वो हमारा लोन है, लॉस आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन उसका पेमेंट पता है कि नहीं होगा, कुछ भी कर लो वो पेमेंट नहीं देगा, ठीक है, कि पेमेंट नहीं देगा, कैसा मार लो कुछ भी कर लो पेमेंट देगा, तो ये लॉस असेट्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है। तो एनपीए 3 प्रकार का चलता है, इसको याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एनपीए के बारे में एग्जामिनर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट अभी बताओ, क्योंकि एनपीए में अगर हो सकता है डाउट हो तो कोई कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? सब स्टैंडर्ड बुक में 1 ईयर तक का दिया हुआ था, कौन सी बुक में पढ़ा आपने सब स्टैंडर्ड का, कौन सी बुक है उसका एडिशन कौन सा है ये पढ़ो एक बार ना आकांक्षा, कौन सी बुक है उसका एडिशन कौन सा है ये पढ़ो एक बार, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक। और जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ 2019 के बाद के रूल हैं, अगर वो बुक उससे पहले बनी होगी तो उसमें लिखा होगा 1 ईयर तक का, बाद में उसको अपडेट कर दिया होगा तो बुक में अपडेट तो हो नहीं पाएगा। फिर आप ये देखो बुक कौन से ईयर में वो बनी थी, कौन से ईयर में वो प्रिंट हुई थी, कौन सा ईयर का वो एडिशन है बुक का, बुक का नाम क्या है, वैसे बुक का नाम अगर बताना चाहो तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, लग रहा है सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आ जाओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि वो हो गया चेंज, मतलब आपका वो टॉपिक खत्म, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, कुछ काम की ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपकी, उनको एक बार नजर डाल लो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें सबसे पहला जो सेगमेंट आता है वो आता है आपका वर्ल्ड बैंक का, कि वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स मीटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स मीटिंग हुई थी 1945 में, और ये ब्रिटेन में हुई थी, ठीक। वहीं पर कुछ लोगों ने सहमति की, और दिशा पब्लिकेशन बैंकिंग अवेयरनेस, हाँ वो थोड़ा पुरानी हो गई होगी, अपडेट उसमें नहीं है, ठीक, दिशा पब्लिकेशन में। इकोनॉमिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप वो पढ़ो, क्या नाम है आपको ना, रमेश सिंह है, या फिर एक छोटी सी पतली सी बुक है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, बहुत पतली सी बुक है, उसको पढ़ने का मतलब आपको दिमाग में पूरी इकोनॉमिक, और बहुत प्यारी बुक लिखी गई है, इंग्लिश में ही है वो ऑलरेडी, लेकिन उसको पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि आपने बस इकोनॉमी को पूरा पढ़ लिया, बहुत छोटी सी बुक एकदम पतली सी, कि आप उसे मुश्किल से मुश्किल तरीके से पढ़ोगे 3 या 4 दिन में ख़त्म कर दोगे उस बुक को, इतनी पतली बुक है, लेकिन क्या शॉर्टकट में और क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक्स को लिखा है ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा मतलब पढ़ के आपको, ठीक है। मैं उस बुक का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ था वर्ल्ड बैंक का 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को इसका हुआ, और आरबीआई को आप एक और नाम जानते हैं, प्रकार था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार के रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लोन देता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन होगा या डेवलपमेंट होगा, तो ये खास तौर पे सोशल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो है वॉशिंगटन डीसी में, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो 44 मेंबर कंट्रीज से इसमें स्टार्टिंग के टाइम पर,
और अभी इसमें 190 मेंबर हो चुके हैं। ये भी थोड़ा अपडेट में कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ये डेटा गलत है, ठीक है, पुराना डेटा हो चुका है, अभी नया डेटा अपडेट हो चुका है। 190th मेंबर कंट्री इसमें है अभी, ठीक। तो कई बार लास्ट के दो पूछ लेते हैं, तो आपको मैं बता दूं 190th नंबर पे जो मेंबर कंट्री था वो था नरूर आइलैंड, जो पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और अब 190th नंबर पे जो हो गया उसका नाम है, वैसे उसका नाम कोई बताएगा मुझे, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स में, मैंने पढ़ाया हुआ है उसका नाम, 190th का नंबर का नाम मैंने पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स में। अगर जिसने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा ईमानदारी से वो बता देगा, और ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बताया। बताओ 190th नंबर का कौन सा कंट्री है जो जुड़ी है, 190th नंबर पे कौन सी कंट्री है, कोई बताए जल्दी बताओ, मैं भी देखूं जरा कितने लोग अपडेटेड है यहाँ पर। बताओ बताओ फटाफट बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, 190th नंबर, और ये करंट अफेयर्स में आया भी है, न्यूज़ में भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ाया है, मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए आपको, ये फट से आंसर आना चाहिए कि सर ये था। ऐसे कैसे हो गया जो इतना देर लग गई किसी का एक आंसर नहीं आया, अरे देवा अरे देवा। कोई आंसर देने को तैयार नहीं है, कमाल हो गया। एंडोरा नाम सुना था, एंडोरा, एंडोरा है, ठीक है, 190th नंबर पे जो नई कंट्री ज्वाइन हुई है, ठीक, वर्ल्ड बैंक में। और ये आपका जो फ्रांस है और जर्मनी है, फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों के जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर पे ऐसे इस तरह से बहुत छोटा सा ऐसा है ये एंडोरा, ये बॉर्डर लाइन बिल्कुल बॉर्डर पे है उनके, ठीक है, एकदम छोटी सी कंट्री है बॉर्डर पे, लैंड लॉक्ड है, दोनों के बीच में फंसी हुई है एक तरह से ऐसा भी कह सकते हो। तो अब यहाँ पर आखिरी देश नरूर नहीं हो गया है, आखिरी देश हो गया आपका एंडोरा, इसको याद कर लेना, अब तो याद कर लेना। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका है वर्ल्ड बैंक का क्या, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक जब आपको लोन देगा तो सोशल डेवलपमेंट के लिए लोन देगा और किसी काम के लिए लोन नहीं देगा, भूल जाना, ठीक। प्रेजेंट हेड इसकी है वर्ल्ड बैंक की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और आई थिंक ये अपडेट हो चुका है, इसका नाम को बताएगा अपडेट वगैरह क्या हुआ है, प्रेजेंट हेड अब कौन है वर्ल्ड बैंक की, शायद ये भी सकता है क्रिस्टन जॉर्जीवा ही हो, मेरे को इतना पक्का कन्फर्म नहीं है, एक बार अगर आपको पता हो तो बताओ अपडेट करके, मैं भी देखूँ जरा कौन बता सकता है मुझे। और ये आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है, यानी कि लंबे समय के लिए लोन देगा कि भाई आप लंबे समय के लिए लोन लो, डेवलपमेंट करो और आकर के फिर लोन को चुका देना, इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देता है। और वर्ल्ड बैंक को आप चार ग्रुप के डिवीज़न में बनाते हो, चार डिवीज़न बनाते हो वर्ल्ड बैंक के, इसके चार डिवीज़न बन जाते हैं। एक है FIC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, नंबर वन, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1956 में, और हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC ही है, हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC ही है, ठीक है, IFC का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इसके थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं जरा, इसके बाद में आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1960, हेडक्वार्टर था इसका वॉशिंगटन DC, ठीक, हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इसी को एक प्रकार से बोलते हैं सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आपका लोन किसको देता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, और IDA ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक प्रकार से, तो सॉफ्ट विंडो है ये वर्ल्ड बैंक की जो इजीली लोन दे देती है,
और यह कई बार कहते हैं लोन फ्री होता है इंटरेस्ट पे, और गरीब देशों के लिए जो अंडर डेवलप कंट्री होती है उनके लिए कि भाई आप ज़्यादातर डेवलप कर जाओ, तो हम लोग भी कोशिश करते थे यहाँ से लोन मिल जाए तो बढ़िया है। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है तो डिस्प्यूट भी हो गई होगा, तो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए भी एक ब्रांच बनाई गई है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे सेंटर जो आपस में लेन देन करेंगे, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, क्या वो बैंकिंग का बैंकिंग से हो, ब्रांचेस का ब्रांचेस से हो, या ब्रांचेस का किसी कंट्री से हो, तो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए ICSID बनी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में ही। इसके बाद एक प्रकार से आपका मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1988 में और हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC में। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC में मीगा का। तो आप देख लो सभी का, यानी कि जितने भी बैंक हैं उन सबका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में आ रहा है अब तक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और IMF बहुत न्यूज़ में आ चुका है बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने IMF से लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें लोन नहीं मिला, पाकिस्तान को लोन मिल गया है, तो IMF न्यूज़ में आ गया है। और इसको कह सकते हैं अंडर रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटेन वुड्स मीटिंग 1945, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटेन वुड्स मीटिंग 1945, और सेम वही पैटर्न है कि ब्रिटेन वुड्स मीटिंग हुई थी 1945 में, उसी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट इसका होता है 27 दिसंबर 1945 में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। और इसको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको, जुड़वा संगठन भी कहते हैं इसको वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरह ही ये काम करता है और वर्ल्ड बैंक की तरह ही है। हेडक्वार्टर सेम वॉशिंगटन DC में है। 31 मेंबर कंट्री स्टार्ट हुआ और अभी 190, यहाँ पे भी अपडेट करना है, अभी 190 मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा ये बताओ कि इसकी जो 190 नंबर की कंट्री है वो कौन सी है, इसकी तो बता दो, इसकी 190 कंट्री कौन सी है IMF की, बताओ फटाफट से IMF की 190 कंट्री कौन सी है। 189 तो यहाँ लिखा आपका नरूर है, इसकी क्या भी वही है वही है, क्या ही है वही है, वही है क्या होता कि वही है ना, बताओ। एंडोरा। एंडोरा, तो इसकी सही है, बिल्कुल वही है एंडोरा की, एंडोरा ही इसकी भी है, ठीक, एंडोरा ही इसकी भी है। और अगर कोई कंट्री ऐड होती है वर्ल्ड बैंक में तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है किसमें, इसमें IMF में। और IMF का जो खास काम है वो ध्यान रखो, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया IMF का वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। ये पूछ लेता कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो जो वो क्या कहते हैं आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या है सोशल डेवलपमेंट करता है, और IMF जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। और ये बात ध्यान रखना कि IMF जब भी किसी देश को लोन देता है तो इसका मतलब उस देश की हालत ख़राब है, उस देश में इन्वेस्टमेंट लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ ही नहीं पाता है। बताओगे कि इंडिया ने IMF से लोन कब लिया था, इंडिया ने IMF से लोन कब लिया था, 1991 या 1991, बिल्कुल सही, 1991 में इंडिया ने IMF से लोन लिया था। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, WTO। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 जनवरी 1995 को, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था WTO का, और बाद में इसको गैट के द्वारा रिप्लेस किया गया, मतलब इसको गैट, पहले गैट था और गैट को इसके द्वारा रिप्लेस किया गया था। गैट का मतलब था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो गैट को इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, मतलब गैट की जगह पे अब हो गया WTO 1995 में, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, इसकी जगह ले ली गैट, गैट किसकी, गैट की जगह WTO ने ले लिया एक प्रकार से। अगर गैट की बात करें तो गैट को शुरुआत की गई थी गैट की कब, 1948 में, ठीक है, 1948 में,
फ्रांस 1914 में फ्रांस था जिसने मिक्स इकोनॉमी की शुरुआत की थी उस टाइम पर, और गैट ने साइन किया था 23 नेशन के साथ में जिनेवा में, और ये किया था साइन 30 अक्टूबर 1947 को स्टार्ट किया था। और आज के डेट में 123 नेशन है जो गैट के साथ में एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं ऑलरेडी। और 14 अप्रैल 1994 को एक प्रकार से मोरक्को में कन्वर्ट किया गया था गैट को WTO में, ठीक है, मोरक्को में कन्वर्ट किया था गैट को WTO में 1994 को, 14 अप्रैल। इंडिया में 14 अप्रैल क्यों खास होता है बताओ, इंडिया में 14 अप्रैल को क्या खास होता है? 14 अप्रैल इंडिया में 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी होती है, क्यों होती है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, डिस्ट्रिक्ट है उत्तरी जेनेवा, स्विट्जरलैंड की डिस्ट्रिक्ट है। और अभी इसमें प्रेजेंट मेंबर है 164 प्रेजेंट मेंबर इसमें हैं। आकांक्षा आंसर 1921, बहुत बढ़िया आकांक्षा, ठीक। तो प्रेजेंट मेंबर 164 है। और लास्ट कंट्री जो ज्वाइन हुई थी इसके अंदर वो थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को जुलाई 2016 में ज्वाइन कराया गया था, लास्ट कंट्री यही बनी थी ज्वाइन होने वाली इसमें। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड डेवलपमेंट। तो देखो अगर बात करें कि वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी बात है, सोशल डेवलपमेंट। बात करें IMF का, ये पैसे की बात करता है, तो IMF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बात करें WTO का मेन ऑब्जेक्टिव, तो WTO ट्रेड की बात करता है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ट्रेड डेवलपमेंट, ठीक है। और प्रेजेंट हेड इसके हैं रोबर्टो अजेवेदो, जो ब्राजीलियन है वो इसके प्रेजेंट हेड हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक होगा उसको हम अलग कल अगले फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो आप, डाउट बस लूँगा अब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डाउट देख लो, डाउट जो है वो पूछ सकते हो आप लोग, कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट है? डाउट है तो ठीक है, वरना फिर मैं बाइंड अप करूँगा, ठीक है। 5 मिनट रुक रहा हूँ मैं, अगर डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है, कोई शंका है तो बजा लो। हाँ क्या हो गया? हाँ क्या सर, पिछली क्लास का पूछ सकते हैं? हाँ पूछ लो, पिछली क्लास का पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है रेखा, पिछली क्लास का पूछ लो, नो प्रॉब्लम। सर, जो आपने WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल का बताया था ना, तो सर उसमें NYMEX और ICEX का बता दीजिए क्या है? NY, रुको 1 मिनट। देखो NY था, ठीक है ना, NY का मतलब न्यूयॉर्क, MEX मर्चेंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ये WTI फॉलो करता है बेंचमार्क, WTI ये इसकी मार्केट प्लेस है एक प्रकार से, ठीक है। और जो ब्रेंट है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है,
ब्रेंट क्रूड ऑयल वाले अलग यूज करते हैं, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ठीक, इंटर कॉन्टिनेंटल मर्चेंटाइल एक्सचेंज ये करते हैं, ICMEX इसको कह सकते हो, ठीक। तो ये ब्रेंट वाले ये वाला यूज करते हैं, बस इतना सा फर्क है इनमें। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं क्लोज करूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, और 11 बजे से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, तब आइए और आराम से पढ़ते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।